नमस्कार। आज हम हॉकी खेल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हॉकी इंडिया के बारे में। हॉकी इंडिया एक गवर्निंग बॉडी है जो हॉकी के गवर्नर से और हॉकी के कार्य संचालन से भारत में उत्तरदायी है। यह भारत के द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत कार्य करता है। ये जो आप देख रहे हैं हॉकी का सिंबल, इसमें सबसे पहले ये जान लीजिए कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई। 20 मई 2009 को स्थापना की गई। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और अभी वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट मुश्ताक अहमद है। इस लोगों में आप एक खूबी पाएंगे कि जैसे हमारे तिरंगे झंडे में अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ स्पोक्स रहती हैं जो सारनाथ से ली गई है, उसी का हूबहू कृति इसमें लगा है। लेकिन खास बात यह है कि इसमें देखने वाली बात है, इसमें हॉकी का एक सिंबल है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ये हॉकी है और इस हॉकी से अशोक चक्र की कॉपी पे ये 24 तिल्लियाँ बनाई गई है। तो ये हमारा हॉकी इंडिया है। और जहाँ तक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी की सवाल है, तो इसका पूरा नाम FIH है, जिसको पूरे नाम में द फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी इसको बोलते हैं। FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, 1924 में स्थापित हुआ ये। और इकोनॉमी में इसको FIH भी बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लजाने में है। प्रेसिडेंट अभी भारत के ही हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इसके प्रेसिडेंट वर्ल्ड लेवल पे भारत के हैं। इनका नाम नरेंद्र बत्रा है और ये पहले FIH हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब इनका प्रमोशन हुआ तो ये FIH में चले गए। तो अब आगे सवाल ये है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कि क्या भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? ये सवाल जानने लायक है क्योंकि अमूनन सारे कॉम्पिटिटिव किताब में, जैसे कि मैं आपको ये कटिंग दिखाऊंगा, ये ल्यूसेंट का है, इसमें साफ दिया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और ये आप देख सकते हैं, ये दृष्टि का है, इसमें भी दिया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक महाराष्ट्र के स्कूल टीचर हैं मयूरेश अग्रवाल, वो महाराष्ट्र के धुले जिले के स्कूल टीचर हैं। तो क्लास में जब जाते थे तो बच्चे उनसे पूछते थे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, तो इस सवाल पर उन्होंने एक RTI लगाया और RTI का जवाब उनको 15 जनवरी 2020 को मिला। और इस RTI में आप हैरान रह जाइएगा कि भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि हमारा कोई भी राष्ट्रीय खेल अनाउंस नहीं किया गया है, यानी भारत का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये नहीं है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत सरकार यह मानती है स्पष्ट रूप से कि भारत का वर्तमान में कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। इसलिए ये जो आप ये सारे बुक्स का जो कटिंग, चाहे बुक्स में ये जो मेंशन कराया गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये गलत है। भारत सरकार का ऑफिशियल रिकॉर्ड से यह मानता है कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल वर्तमान में नहीं है। हाँ, अब ये समझने वाली बात है कि हमारा परसेप्शन ये हॉकी को ही क्यों माना जाता है, भारत में इतना पॉपुलर क्रिकेट खेल है, लेकिन हमारा परसेप्शन हॉकी के प्रति ही क्यों जाता है, हम हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल क्यों मानते हैं, इसके पीछे कारण है। आप जानते हैं कि भारत ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ एक डोमिनेंट रखता था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से लेके 1980 के मास्को ओलंपिक तक भारत का ओलंपिक में डोमिनेंस था। आप देखेंगे कि इसके अलावे वर्ल्ड कप हॉकी में भारत 1975 के कुआलालंपुर में वर्ल्ड कप जीता था। एशियन गेम्स में 3 बार ये स्वर्ण पदक जीत चुका है। 1966, 1998 और 2014 के एशियन गेम्स में 3 बार स्वर्ण पदक जीता है। 3 बार एशिया कप जीता है, 2003 का, 2007 और 2017 का एशिया कप 3 बार भारत जीता है। तो बाई एंड लार्ज ये सारे आंकड़े को मिला के हम मानते हैं कि भारत का हॉकी में दबदबा शुरू में रहा है। हाँ, ये भी सही है कि इस बार इस दबदबे को हम अभी कायम नहीं रख पाए हैं, लेकिन एक परसेप्शन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसका आधार यही है, ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक और एशियन गेम्स में, एशिया कप में, और सब मिला के परसेप्शन ये बना है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, मेजर ध्यानचंद, भारत के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था और ये प्रयागराज में जन्म हुआ था इनका। और
इनको 1956 में पद्मश्री, सॉरी, भारत का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और ये इनकी महानता आप इससे अंदाजा लगाएंगे कि ये सीन, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये 2000 सॉरी 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक का है। ये जो है, ये अपने हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद साहब हैं। इनकी एक तूती बोलती थी 1928, 1932 और 1936। 28 का ओलंपिक आपका हुआ था एम्स्टर्डम में, 1932 का हुआ था लॉस एंजल्स अमेरिका में, और 1936 का है बर्लिन में। ये तीनों ओलंपिक में इनकी प्रबलता साफ स्पष्ट झलक रही थी। भारत तीनों में स्वर्ण पदक जीता था। हालांकि 1940 और 44 का दो ओलंपिक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण स्थगित हुआ था, तो उसमें वो खेल नहीं पाए थे, लेकिन स्पष्ट रूप से 1928, 32 और 36 में खेले थे। तो इनकी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन तीनों ओलंपिक में रहा था। इनका एक ऑटोबायोग्राफी है, गोल गोल नाम से, GOAL नाम से इनका ऑटोबायोग्राफी है। आपसे यही सवाल आ सकता है कि मेजर ध्यानचंद का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो गोल है। और इनके गोल में एक बात इंटरेस्टिंग ये जान लीजिए कि 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था, बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी की टीम से जब भारत का मुकाबला था, तो इस मैच को देखने के लिए उस मैदान में खुद जर्मनी का नाजी तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। और हिटलर इनके परफॉर्मेंस से, मैच के बाद से वाले परफॉर्मेंस से काफ़ी प्रभावित भी हुआ था, और उनको जर्मनी का आर्मी ज्वाइन करने का इनको ऑफर भी दिया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। एक भारतीय होने का इन्होंने उस समय परचम अदा किया। सबसे बड़ी बात है कि हिटलर के मौजूदगी में टीम इंडिया के परफॉर्मेंस उस समय जरा सा भी इनके नेतृत्व में हिला नहीं, और उन्होंने एकदम उसी जोश और उसी उमंग के साथ खेला और टीम इंडिया को जिताया भी। तो काफ़ी बड़े खिलाड़ी और बहुत बड़े दबदबे वाले हैं। इनसे आप जानते होंगे कि इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था, तो 29 अगस्त की दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और आपको ये जाननी चाहिए कि राष्ट्रीय खेल दिवस आखिर कब से मनाया जाता है। तो 2012 से भारत सरकार ने ये अनाउंस किया था कि हम 29 अगस्त को एज ए नेशनल स्पोर्ट्स डे हम इसको मनाएंगे। और इस 29 अगस्त को ही दिन भारत में राष्ट्रीय खेल के दिवस, जितने सारे खेल से रिलेटेड अवार्ड हैं, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड हुए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुए, और अर्जुन अवार्ड हुए, चाहे जो भी महत्वपूर्ण खेल से जो जितने सारे अवार्ड हैं, ये सारे इसी दिन बांटे जाते हैं। मतलब अनाउंस इसके पहले कर लिया जाता है, लेकिन 29 अगस्त के दिन सारे खिलाड़ियों को जो अनाउंसर्स अवार्ड हैं सबको दिए जाते हैं। और द्रोणाचार्य के बारे में अभी एक और भी बात सबसे जाने की, अगर आएगा सवाल कि ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है, तो ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में है। और एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, दिल्ली, इनके छोटे भाई का नाम था रूप सिंह, तो अगर वो भी हॉकी खेलते थे, लेकिन ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में है, लेकिन इनके भाई के नाम पे जो स्टेडियम है रूप सिंह स्टेडियम, अगर वो आए कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे है, तो ग्वालियर में है। और सबसे ज़रूरी बात, रूप सिंह स्टेडियम हॉकी से नहीं जुड़ा हुआ है। दिल्ली का ध्यानचंद स्टेडियम हॉकी का स्टेडियम है, लेकिन रूप सिंह स्टेडियम जो ग्वालियर में है वो क्रिकेट का स्टेडियम है। खिलाड़ी थे हॉकी के, लेकिन क्रिकेट का स्टेडियम है, ये अच्छी बात है। दोनों भाई के नाम से दो स्टेडियम है, नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, और इनके छोटे भाई रूप सिंह के नाम से रूप सिंह स्टेडियम जो ग्वालियर में है। अच्छा, अगले पॉइंट करते हैं कि ध्यानचंद के नाम से एक अवार्ड भी है जिसको बोलते हैं ध्यानचंद अवार्ड। 2002 से ये शुरुआत की गई, ये इसका लोगो है, ये ध्यानचंद साहब हैं हॉकी के स्टिक लिए हुए। ऐसी एक प्रतिमा दी जाती है। इस कांस्य प्रतिमा के अलावे 5 लाख रुपए का नगद, और ये 2002 से ये अवार्ड शुरू किया गया था। और यह एक अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, मतलब जीवन भर आप खेल के क्षेत्र में आपकी उपलब्धियों को देखते हुए ये अवार्ड आपके शुरुआत जीवन के लास्ट टाइम में दिया जाता है, पूरे जीवन के अचीवमेंट को देखते हुए। और ये अवार्ड ऐसा नहीं है कि
ध्यानचंद के नाम से ये अवार्ड का नाम है, तो ध्यानचंद अवार्ड केवल हॉकी में ही दिया जाएगा, ये सारे खेलों में दिया जाता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखते हैं भारत का डोमिनेंस हॉकी में, ओलंपिक में हॉकी के क्षेत्र में क्या रहा। तो आप देखिएगा, ये लिस्ट मैंने ल्यूसेंट की किताब से लिया है। तो यहाँ पे देखिए, 1928 से लेके 1980 तक, 28 में, 1928 का ओलंपिक एम्स्टर्डम नीदरलैंड, हॉकी स्वर्ण पदक जीता भारत। 1932 का ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में, हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। 1936 का बर्लिन में स्वर्ण पदक, 48 का लंदन में स्वर्ण पदक, 52 का हेलसिंकी फिनलैंड में स्वर्ण पदक, 1956 का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण पदक। और बीच में गैप आया है, लेकिन गैप यहाँ पे देखिए, ये अगर उप विजेता रहा है, यानी इसको रजत मिला है 60 के ओलंपिक में, तो ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। लेकिन 64 ओलंपिक जो टोक्यो में हुआ था और इसमें स्वर्ण पदक जीता, फिर लगातार 2 बार गए तो हम लोग कांस्य पदक जीते, यानी थर्ड पोजीशन पर रहे। और 80 का ओलंपिक मास्को में, जिसमें हम लोग स्वर्ण पदक फिर जीते, यानी 8 हमारा स्वर्ण पदक हुआ, 1 रजत पदक हुआ और 2 कांस्य पदक हुए, यानी 11 पदक हम लोग ऑलरेडी ओलंपिक में ले चुके हैं हॉकी क्षेत्र में। तो ये परसेप्शन ही हमारा मजबूत करता है कि हम भारत को, भारत का राष्ट्रीय खेल एज ए हॉकी के तौर पे माने। और देखिए, अच्छा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि 1980 का ओलंपिक क्यों इम्पोर्टेंट था। ये ओलंपिक एकमात्र ऐसा ओलंपिक रहा है जिसमें रसिया में हुआ है, मास्को में हुआ है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा ओलंपिक है जिसमें एक देश प्रॉपर व्यक्तिगत रूप से सबसे ज़्यादा पदक जीता है। अच्छा, 1964 का ओलंपिक अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है? ये एशिया में आयोजित होने वाला पहला ओलंपिक था, टोक्यो में हुआ था, जापान, यानी हम कह सकते हैं दूसरे भाषा में कि जापान ओलंपिक को आयोजित करने वाला प्रथम एशियाई देश था। और 1952 का ओलंपिक, 1952 का ओलंपिक हेलसिंकी, ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? क्योंकि इसमें व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत की ओर से एक कांस्य पदक जीते हुए थे केडी जाधव, पहलवानी में। तो केडी जाधव जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे व्यक्तिगत में, ये हेलसिंकी में हुआ था। 1948 गोल्ड फिल्म, आप अक्षय कुमार का देखे होंगे, गोल्ड फिल्म में, गोल्ड फिल्म इसी 1948 के हॉकी पे बेस्ड मूवी है। उस मूवी में, यह मूवी इसलिए, मूवी में ये कहानी है कि 1947 के बाद से जब ब्रिटेन हमारा देश छोड़ के गए थे वापस, तो हम लोग लंदन में आयोजित हुआ था जो ओलंपिक, उन्हीं लोग के घर में आज़ादी के 1 साल बाद उन्हीं लोग के घर में उन्हीं को हरा के हम लोग स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये ओलंपिक खास इसलिए बन जाता है, इसलिए इसके ऊपर अक्षय कुमार की मूवी बेस्ड आई गोल्ड। और गोल्ड मूवी के बारे में एक और जान लीजिए कि सऊदी अरब में, वैसे अमूनन मूवी नहीं दिखाई जाती है, लेकिन सऊदी अरब जब से अनाउंस किया कि हमारे देश में ये मूवी दिखाई जाएगी, तो पहली बॉलीवुड फिल्म गोल्ड ही बनी जो सऊदी अरब में दिखाई गई। तो ये बहुत सारी फैक्ट्स हैं, ये सब जान सकते हैं। और 1936 का आप देख ही लीजिए, बर्लिन में हुआ था। अच्छा बताइए, बर्लिन की दीवार कब ढाई गई थी? 1989 में, अभी अभी उसकी 2009 में उसकी सालगिरह थी, तो खैर वो तो बात की बात है। ऑल राइट, अब आगे देखते हैं। तो आप ये देख लीजिए, भारत का डोमिनेंट कैसा रहा ओलंपिक में, ये आप देख सकते हैं। ये प्रॉपर लोकेशन है वर्ल्ड मैप के अनुसार से, आप देख सकते हैं कि कब कब कहाँ ओलंपिक में, जैसे 1964 जापान में ये सब। चलिए, मनप्रीत सिंह बिकॉम फर्स्ट इंडियन टू विन FIH प्लेयर ऑफ द, FIH पहले आप जान लीजिए, FIH मैंने आपको बता चुका है कि फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी, जान चुके हैं कि इसका लुजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और 1924 में स्थापित हुआ था। तो FIH के अनुसार पूरे वर्ल्ड में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? मनप्रीत सिंह को। ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि मनप्रीत सिंह ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। तो यहाँ से 2 सवाल बनता है, अगर ये एक सवाल आएगा कि इस साल वर्ल्ड लेवल पे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? मनप्रीत सिंह को। मनप्रीत सिंह कौन है? भारत के हॉकी कप्तान। और मनप्रीत सिंह ये के लिए अवार्ड खास क्यों है? क्योंकि मनप्रीत सिंह भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड ये मिला है। अच्छा, महिला में अगर पूछ दे, महिला में जनरली पूछ, जैसे मनप्रीत सिंह वर्ल्ड लेवल पे पुरुष कैटेगरी में जीतने वाली पहले, महिला में अगर पूछ दे, तो महिला में है ईवा डे जेवडे,
डच खिलाड़ी हैं, डच यानी नीदरलैंड की खिलाड़ी हैं, महिला हैं, ईवा डे जेवडे, याद रखने वाली बात है। चलिए ये देखिए, ये मनप्रीत सिंह हैं, ये हमारे हॉकी मेंस टीम के कैप्टन हैं। ये रानी रामपाल हैं, रानी रामपाल ये महिला हॉकी टीम के कैप्टन हैं। अब इनसे जुड़ी एक और चीज़ जान लीजिए कि जैसे FIH के प्लेयर ऑफ द ईयर मनप्रीत सिंह रहे वर्ल्ड लेवल पे, ईवा डी जेवडी महिला में रही वर्ल्ड लेवल की FIH के तरफ से, तो उसी तरह से हॉकी इंडिया यानी भारत में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहे हॉकी में, पुनः मनजीत सिंह ही रहे। यानी मनजीत सिंह हमको हम कह सकते हैं कि भारत के भी प्लेयर ऑफ द ईयर रहे वर्ष के, और वर्ल्ड लेवल पे भी प्लेयर ऑफ द ईयर रहे। रानी रामपाल ये भारत की प्लेयर ऑफ द ईयर रही हॉकी इंडिया के अनुसार, यानी ईवा डी जेवडी जो विश्व स्तर की महिला रही प्लेयर ऑफ द ईयर, तो भारत में कौन रही, रानी रामपाल। ये हमारी इंडियन वुमेन कैप्टन है और ये हमारी मेंस कैप्टन है। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए ये हैं, ये व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये ग्राहम रीड हैं। ग्राहम रीड भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन ये हैं, ग्राहम रीड ये है। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ ट्रॉफियां देख लें। आगा खां कप, जवाहरलाल नेहरू, सुरजीत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, गुरु नानक ट्रॉफी, गुरमीत सिंह, गुरमीत ट्रॉफी, गुरमीत सिंह नाम था, गुरमीत सिंह के नाम पे ट्रॉफी है, अब्दुल रजाक कप, अजलान शाह, अजलान शाह मलेशिया में आयोजित होने वाला है, केडी सिंह, बाबू ट्रॉफी, लेडी रतन ट्रॉफी, रेन फ्रेंक ट्रॉफी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप, बैटन कप, अब्दुल्ला स्वर्ण कप, रंगा स्वामी कप, एटी सिंह। तो ये सारे राष्ट्रीय स्तर पे होने वाले टूर्नामेंट हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ओलंपिक में हॉकी शामिल है, एशिया कप भी है, चैंपियंस ट्रॉफी भी है, उसका वर्ल्ड कप भी है, और लीग भी होता है, तो उसके क्लब के अनुसार से आप देख सकते हैं। अब आइए अब एक और टॉपिक पर चर्चा करते हैं, ये हैं बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर ये भारत के एक महानतम हॉकी खिलाड़ी हैं। इनकी महानता के अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1948 का लंदन ओलंपिक, 1952 का हेलसिंकी ओलंपिक, 1956 का मेलबर्न ओलंपिक, ये तीनों ओलंपिक में जब भारतीय टीम स्वर्ण पदक जीती थी, ये उस समय ये टीम के हिस्सा थे। और एक और बात, 2012 में ओलंपिक कहाँ हुए थे, लंदन में। तो लंदन के ओलंपिक में विश्व के महानतम 16 खिलाड़ियों की, 16 हॉकी खिलाड़ियों की सूची जारी की गई थी। पूरे वर्ल्ड में 16 महानतम हॉकी खिलाड़ियों की सूची जारी की गई थी। इस सूची में एकमात्र भारतीय यही बलबीर सिंह सीनियर थे। बलबीर सिंह सीनियर का हाल ही में देहांत हुआ है, 25 मई को, इसी 25 मई को देहांत हुआ है, इसलिए ये चर्चा में रहे। और ये बहुत ही भारत के बहुत महान खिलाड़ी हैं हॉकी से। और एक और बात जान लीजिए, 1975, ये मैं आपको मिटा दे रहा हूँ, 1975 के जो कुआलालंपुरम में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, 1975 का कुआलालंपुरम में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, उस हॉकी में भारतीय टीम जीती थी पहली बार। वैसे विश्व कप हॉकी की शुरुआत 1971 से हुई थी, बार्सिलोना फ्रांस स्पेन से। 1975 का जो दूसरा चरण था, दूसरा टर्न था हॉकी विश्व कप का, तो उसमें भारतीय टीम जीती थी पाकिस्तान को हरा के, तो उस समय ये टीम के मैनेजर थे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में ये जान लीजिए कि बलबीर सिंह भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे नहीं, एकमात्र, सबसे पहला खिलाड़ी, भारत का सबसे पहला खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर ही हैं जिनको एक खेल के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला। पद्मश्री भारत का पांचवा सबसे बड़ा, सॉरी चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, और ये पद्मश्री पाने वाले पहले खेल के क्षेत्र में खिलाड़ी हैं। आप आई होप आप इस बात को क्लियर कर लिए होंगे। अब आगे देखते हैं आने वाले कुछ टूर्नामेंट कब कहाँ होने वाला है, अक्सर ये कंफ्यूज करता है, तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात, हॉकी वर्ल्ड कप जूनियर कप, मेंस जूनियर कप,
इंडिया इंडिया में होगा, किसका? हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2021 में कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। और 2021 में ही इसी का महिला वर्जन कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में। मतलब इसको स्पष्ट और तरह समझते हैं कि 2021 में पुरुषों का हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप होगा भारत में, और 2021 में ही महिलाओं का जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में। ये बात क्लियर है? आगे देखते हैं, 2023 में इंडिया में होगा मेंस वर्ल्ड कप। आपको पता होगा कि 2018 में भी इंडिया में हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप, उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था, कटक में आयोजित हुआ था, और उसका शुभंकर क्या था? ओलिवेड कछुआ जो वहाँ पे पाया जाता है, ओलिव रिडले कछुआ था। तो 2023 को भी मेंस वर्ल्ड कप भारत को ही मिला है, और 2022 का महिला वर्जन, 23 का, जैसे 18 देखिए, 2023 का पुरुषों का विश्व कप कहाँ होगा? भारत में होगा। तो 2022 का महिलाओं का विश्व कप कहाँ होगा? दो देश आयोजित मिलकर करेंगे इसको, स्पेन और नीदरलैंड। स्पेन और नीदरलैंड। अब एक सवाल आएगा, स्पेन के किस शहर में होगा ये? टेरेसा में, टेरेसा। और नीदरलैंड के किस शहर में होगा? एम्स्टेलविन, एम्स्टेलविन। तो 2022 का महिलाओं का विश्व कप स्पेन और नीदरलैंड में होगा, 2023 का पुरुषों का विश्व कप भारत में होगा। अच्छा, अब कुछ राष्ट्रीय स्तर पे कुछ टूर्नामेंट के बारे में जाने। जैसे 2021 में ये सारे टूर्नामेंट हो गए, इतना याद रखिए, चार टूर्नामेंट में बताने जा रहा हूँ। चारों टूर्नामेंट की अवधि कितनी होगी? 2021, इतना बताया है। अब देखिए, अब समझने वाली बात है। सबसे पहले यहाँ चार्ट बना लीजिए, ऐसे चार्ट बना लीजिए, और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे डाल लीजिए मैन, यहाँ पे डाल लीजिए वुमेन, ठीक है, यहाँ पे डाल लीजिए सीनियर, यहाँ पे डाल लीजिए जूनियर, ठीक। तो सॉरी, इसको इसको हटा देते हैं, यहाँ पे मेन कर लीजिए, इसको काट के यहाँ पे मेन कर लीजिए। देखिए, पुरुषों का जो सीनियर नेशनल चैंपियंस हॉकी का होगा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। पुरुषों का 2021 में सीनियर चैंपियंस लीग कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। पुरुष महिलाओं का सीनियर हॉकी चैंपियंस लीग कहाँ होगा? यूपी में। मतलब सीनियर कैटेगरी में पुरुषों का महाराष्ट्र और महिलाओं का कहाँ? यूपी में। अब जूनियर कैटेगरी की बात करते हैं, जूनियर कैटेगरी में पुरुषों के लिए नेशनल चैंपियंस हॉकी का कहाँ होगा? हरियाणा। और फिर जूनियर लेवल में महिलाओं के लिए 2021 में नेशनल चैंपियंस कहाँ होगा? झारखंड। इसको याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, 2021 में ये चारों टूर्नामेंट होगा, एक सीनियर होगा, एक जूनियर होगा, एक महिलाओं की कैटेगरी होगा, एक पुरुषों की कैटेगरी। तो सीनियर में पुरुषों के लिए महाराष्ट्र में होगा, सीनियर कैटेगरी में महिलाओं के लिए यूपी में होगा, जूनियर कैटेगरी में पुरुषों के लिए हरियाणा में होगा, जूनियर कैटेगरी में महिलाओं के लिए झारखंड में होगा। इतना क्लियर है? अब बस, अब इतना ही था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इसके बारे में फीडबैक दें, और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है इसलिए शायद कुछ सुधार की ज़रूरत होगी। अच्छा, एक और चीज़ है, हॉकी वर्ल्ड कप से एक और बात याद आया जाते जाते, तो आप ये जान लीजिए कि पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप कब से शुरुआत हुआ? 1971 से। कहाँ से हुआ? बार्सिलोना। बार्सिलोना आप सुने होंगे, स्पेन का एक शहर है बार्सिलोना। बार्सिलोना से एक कपड़े का ब्रांड भी आता है, और फुटबॉल का भी बहुत सारे क्लब है, प्रेस्टिजियस क्लब है फुटबॉल से रिलेटेड। तो 1971 का 1971 में सॉरी 1971 में पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप 1971 से शुरू हुआ, और 1971 का जो पहला हॉकी वर्ल्ड कप कौन जीता था? पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी।
और भारत यह वर्ल्ड कप एकमात्र जीता था 1975 का क्वालालंपुरम, आपको याद होगा ना, बलबीर सिंह सीनियर उस समय टीम के मैनेजर थे। भारत अभी एक ही टाइटल जीता है 1975 का, पुरुषों का वर्ल्ड कप का। अच्छा, सबसे ज्यादा बार कौन जीता है हॉकी वर्ल्ड कप? पाकिस्तान। कितनी बार? 4 बार। और महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करेंगे तो आपको ये मिलेगा, जैसे महिलाओं का वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ? 1974 से। पुरुषों का कब शुरू हुआ था? 1971। महिलाओं का कब से शुरू हुआ था? 1974। और महिलाओं में सबसे ज़्यादा बार कौन जीती है? जैसे पाकिस्तान पुरुषों का सबसे ज़्यादा बार जीता है 4 बार, तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा बार जीता है 8 बार, कौन? नीदरलैंड। तो ये चीज़ें जानने वाली है। आई होप योर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। थैंक्स।